नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक SME IPO मध्य प्रदेश टुडे मीडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भोपाल मध्य प्रदेश में है और कॉरपोरेट ऑफिस इंदौर मध्य प्रदेश में है। इसके IPO रजिस्ट्रार्स होंगे बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। कंपनी का इशू सोमवार 19 सितंबर 2017 को खुलेगा और 21 सितंबर 2017 को बंद होगा। ये एक फिक्स्ड प्राइस SME IPO इशू है। फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है और कंपनी 66 रुपए प्रति शेयर में शेयर इशू करेगी। मिनिमम क्वांटिटी 2000 शेयर की है और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,32,000 रुपए का होगा। इसकी लिस्टिंग NSE के SME प्लेटफॉर्म पर होगी। फ्रेश इशू ये कंपनी ला रही है 21,46,500 शेयर्स का, जिसमें कंपनी जुटाएगी 14,16,00,000 रुपए। इसमें से मार्केट मेकर पोर्शन 1,08,000 शेयर्स के लिए होगा और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए 10,19,250 शेयर सुरक्षित होंगे और इतने ही शेयर अदर इन्वेस्टर्स के लिए सुरक्षित होंगे, यानी HNI वगैरह। कंपनी के बारे में बताते हैं। कंपनी जो है वो एंगेज है, पब्लिकेशन करती है न्यूज़पेपर का और न्यूज़ पोर्टल के थ्रू जो है वो इवेंट मैगजीन भी ये लोग निकालते हैं। इनका एक पब्लिशिंग हाउस है जो डेली इवनिंग हिंदी न्यूज़पेपर निकालता है और जो हालांकि लॉन्च तो हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन इस समय वो छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी इनके ये बिक रहे हैं, न्यूज़पेपर इन्होंने बढ़ा लिए हैं। इन्होंने 2010 में मॉर्निंग डेली न्यूज़पेपर भी निकाला और उसमें जो इन्होंने प्रिंटिंग करने का इनका विचार है, ये अदर स्टेट्स में भी विचार है कुछ आने वाले वर्षों के अंदर। प्रदेश टुडे नाम से जो ये निकालते हैं डेली न्यूज़पेपर, वो 12 पेज का कलर न्यूज़पेपर है और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल साइज है और ये इस तरह का पहला न्यूज़पेपर है जो मध्य प्रदेश से प्रिंट हो रहा है। प्रदेश टुडे जो है वो सारे जोन्स को जो मध्य प्रदेश में है सबको कवर करता है न्यूज़ के लिए। पूरे 52 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, उन सबको करता है और मेन जो है वो होशंगाबाद, विदिशा, धार, नीमच, सागर, शिवपुरी वगैरह है। और ये एक अकेला न्यूज़पेपर है ये इंडिया में कि जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों न्यूज़पेपर ये निकालता है एक ही नाम से। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर हृदेश कुमार दीक्षित, जिनके पास कंपनी के 12,09,940 शेयर हैं, जिनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केवल 4 पैसे है। दूसरे हैं मिस्टर शांतनु दीक्षित, जिनके पास कंपनी के 12,09,960 शेयर हैं और उनके पास जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 9.39 रुपए है। इनकॉर्पोरेशन के समय कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे थे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करने के लिए दिए थे। 26 जुलाई 2016 को 10,000 शेयर के बदले कंपनी ने 12,00,000 शेयर इशू कर दिए। बोनस शेयर की रेशो थी 1 शेयर के बदले 120 शेयर, शायद ये रिकॉर्ड होगा। इससे पहले हमने देखा था एक 299 शेयर किसी कंपनी ने दिए थे, ये उसके बाद शायद दूसरा है। इसके बाद में 28 जुलाई 2017 को कंपनी ने एक और बोनस इशू करा 1:1 का। यानी कि अगर आप देखेंगे कि जो कैपिटल हिस्ट्री है उसमें केवल 10,000 शेयर की कैपिटल थी इनकी, जो बढ़कर करीबन 24.5 लाख के आसपास हो गई है। कंपनी का जो फ्रेश इशू है वो है 14,16,69,000 रुपए का। कंपनी का ऑब्जेक्ट है कि वो जो एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने बिजनेस को, यूनिट जो ऑफिस यूनिट बढ़ाने का है इनका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उनके इनके जो एक्सपेंसेस आएंगे 4,82,00,000 रुपए आएंगे। उसके बाद 6,44,00,000 रुपए ये खर्च करेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। 2,40,00,000 रुपए इनको जनरल कॉरपोरेट पर्पज के लिए यूज करने हैं और 50,00,000 रुपए इस इशू के एक्सपेंसिस होंगे। कंपनी के फाइनेंशियल पे नजर डालते हैं। टोटल रेवेन्यू 31 मार्च 2013 को 10,63,00,000 रुपए था, जो अगले साल बढ़कर 15,71,00,000 रुपए हो गया। उसके बाद में 15,41,00,000, उसके बाद में 15,24,00,000
और उसके बाद में इन्होंने कमाल कर दिया 19.27 करोड़ रुपए जो है इनका टोटल रेवेन्यू था। इसी तरह से अगर आप नेट प्रॉफिट को देखें, सबसे पहले 31 मार्च 2013 के फाइनेंशियल ईयर एंड में ये केवल 52 लाख रुपए का इनका नेट प्रॉफिट था, अगले साल 71 लाख, उसके अगले साल 42 लाख, उसके बाद में 65 लाख और 31 मार्च 2017 के फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ 33 लाख। यानी कि जो इतना लंबा जंप इन्होंने करा है लगभग 4 गुना, वो कोई ऐसा तो है नहीं है कि न्यूज़ की बाढ़ आ गई हो या इनका कुछ और हो, क्योंकि कंपनियों ने जो इशू निकालने होते हैं उससे पहले ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अच्छा प्रॉफिट दिखाते हैं और पता नहीं क्या किस तरह के वो करते हैं, 1:120 का बोनस ये इशू करते हैं। और हमने नहीं देखा कि लिस्टिंग होने के बाद में कोई भी कंपनी इस तरह के लिबरल इश्यूज निकालती है। अगर हम कंपैरिजन करें इसका पीयर ग्रुप के साथ में, कंपनी ने 3 नाम दिए हैं इसके अपने उसके अतिरिक्त, जागरण प्रकाशन, डीबी कॉर्प, संदेश, ये सारे ही लगभग 9 से लेकर 18 के पीई के बीच में काम कर रहे हैं। इसकी केवल जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है मध्य प्रदेश टुडे की वो ज्यादा अच्छी है सबसे, 40% की इसकी ROW है और जो NAV है वो सबसे अच्छी संदेश की है, संदेश के फाइनेंशियल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए देखिए हम इसके प्लस माइनस पॉइंट जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के अंदर एकदम 2017 के अंदर उछाल आया है ये काफी सरप्राइजिंग है। उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर में इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो केवल 6.01 रुपए है बोनस इश्यू एडजस्ट करने के बाद में। एवरेज ROW 40% है, इशू की जो प्राइस है वो प्राइस टू बुक वैल्यू के 3.55 टाइम्स है, और अगर डाइल्यूटेड इक्विटी को हम एडजस्ट करें इशू के बाद की कैपिटल में तो पीई हमारा आता है 12 के आसपास, और लिस्टेड पीएस जो है जैसे कि हमने बताया 9 से लेकर 18 तक काम कर रहे हैं, एवरेज 15 है। तो जो इशू है वो हमें लगता है कि फुली प्राइस इशू है, और आपको इस वाले इशू को अप्लाई करने का कोई अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है, लिस्टिंग गेन कुछ नहीं देगा, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी हम आपको कहेंगे कि आप इसको अवॉइड ही करें। थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा वेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स जरूर दीजिएगा और डिस्क्लेमर पढ़ना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।